IVTV देखता है इंडिया। पशुपति पारस गुट के नेता प्रिंस राज की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। उनकी जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फैसला आना है। गौरतलब है कि एक युवती ने प्रिंस राज पर रेप केस दर्ज कराया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश के बाद प्रिंस राज पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। पुलिस ने विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष कहा कि शिकायतकर्ता के दावे के मुताबिक प्रिंस राज से कथित आपत्तिजनक वीडियो क्लिप को बरामद किया जाना है। गौरतलब है कि इस मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनिश्चित कर लिया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने प्रिंस राज की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है। पुलिस ने विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष कहा कि शिकायतकर्ता के दावे के मुताबिक प्रिंस राज से कथित आपत्तिजनक वीडियो क्लिप को बरामद किया जाना है। हालांकि प्रिंस राज की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ वकील विकास पाहवा और नितेश राणा ने पुलिस के हलफनामे का विरोध किया और दावा किया कि मामला हनी ट्रैप के में फंसने और उगाही करने का है। गौरतलब है कि एक युवती ने प्रिंस राज पर रेप केस दर्ज कराया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के बाद प्रिंस राज पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ है। जाहिर है कि पीड़िता के दावे में दम नजर आ रहा है। हालांकि प्रिंस राज भी युवती के खिलाफ इसी साल 9 फरवरी को पहले ही FIR दर्ज करवा चुके हैं। इस FIR के अनुसार प्रिंस राज ने आरोप लगाया था कि उन्हें युवती ने हनी ट्रैप के तहत फंसाया और फिर बाद में उस युवती ने अपने दोस्त के साथ एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया। उसे रेप केस में झूठे फंसा देने की धमकी दी जा रही थी। हालांकि प्रिंस राज ने यह माना कि उन्होंने युवती के साथ सेक्स किया। कानून के जानकारों के अनुसार अब प्रिंस राज का बच पाना मुश्किल है।